यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट के, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। 2000 से ज्यादा एग्जीबिशंस, दुनिया भर के लीडर्स और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त मौजूद है ग्लोबल गुजरात समिट में। हम सबके लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सातवां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, ये हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं? असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन है हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मुफाद के खिलाफ नहीं जाते। भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर, और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है व्हाट आई कैन सी। और ये हमें बताता है कि यूएई और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो कितने गहरे हो चुके हैं और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं कि अब बात जो है वो यहां तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मंगलवार 9 जनवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयन 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने आए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कई देशों के बड़े नेता भी हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। अबू धाबी के साथ प्रिंस मोहम्मद बिन जायद की अगवानी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ 3 किलोमीटर लंबे रोड शो का आयोजन भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान दुनिया के कई शीर्ष नेताओं, वैश्विक कंपनियों के मुख्य अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित होंगी। भारत में यूएई के प्रिंस को रोड शो करता देख पाकिस्तान को मिर्ची लगी पड़ी है, क्योंकि कल तक पाकिस्तान जिस यूएई को मुस्लिम उम्मा मानता था, आज वही यूएई पाकिस्तान को लात मारकर लगातार भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर रहा है। भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस। सो द टर्म इज़ राइजिंग गुजरात। एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज़ कि हमारी जो एज पर IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को, यानी कि इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी। दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखें गुजरात एंड यूपी, ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें
और हमने देखे कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया है, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर खास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं। सो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपका रिलीजियस एजेंडा ज़रूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप ज़रूर करें उसमें, कि जी जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकोनॉमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज़ पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज मेकिंग इंडिया अ हिंदू इंडिया, इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट इट लेट इट बी, दिस इज वॉट यू नो एज ए डेमोक्रेसी, इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अभी हमारे अच्छे टर्म्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ, दुबई और सऊदीया के साथ, यहाँ पर हिंदुस्तान के क्यों भाई, हिंदुस्तान ने क्यों काबिज किया है, क्यों सिक्का चल गया हिंदुस्तान का इतनी जल्दी सब पे? इसका रीज़न ये है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट जा रही, हमारी डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बस सीट के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुल्क में क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है, नो इशू, नो टेंशन। क्या वजूहत है मैम कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं, खाता हर कोई है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान बंदों का बड़ा सोचते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, कश्मीर के अंदर आ रही है, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी क्राइसिस जो है ना, वो आप लोगों को ये दे रहे हैं कि हम लोग एक सीट के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे की ज़ातियात पे उतर रहे हैं। यही वजह है कि उनको खुद से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो बाहर देखें कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से ऐसा हम अपने इन्वेस्टर्स को लेके आए कि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की करे या कोई प्रोजेक्ट शुरू करे। नथिंग स्पेशल। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया, अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है, मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है, लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं, क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नज़र आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पर जाता जा रहा है, इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज़ हैं ना, उन सब ने कह लें कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पेक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे हैं जैसे वो स्पेशल लोग हैं। अनलिमिटेड वीज़ा किया सऊदी ने, अनलिमिटेड, और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है, हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि अब जो जराइम चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, वो तो है इकोनॉमी की वॉर। अगर कोई बंदा हिंदू भी है, काफिर भी है, कोई भी है भाई, वो आगे जाएगा तो कोई भी उसको अपने मुल्क में बुलाएगा। अब देखें, पाकिस्तानी जब यहाँ से कोई जाता है तो भीख मांगने लग जाता है, कुछ भी करता है वहाँ जाके, लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करता। जब इंडियन नहीं करता तो इंडिया को प्रेफरेंस मिलेगी।